अच्छा, ये बेसिकली यहाँ पे एक बर्थ मार्क है, वार्ट की तरह लग रहा है, लेकिन इसको हम न्यूवस सबेशियस कहते हैं। न्यूवस सबेशियस इसको हटाना जरूरी होता है, इसलिए क्या कभी कभार बताना खाता ये खतरनाक भी हो सकता है, मैलिग्नेंट भी हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है ना बच्चों। तो बस इसको बड़े अच्छे तरीके से हटा रहे हैं। जो मैं इस वक्त लेजर इस्तेमाल करूँ ये है जर्मन लेजर है बेसिकली, राइट सर, एस्केपलियन का, इसको MLMCL31 डर्मा ब्लेड कहते हैं, राइट सर। तो अभी जो बेसिकली जरूरी है कि हम वो इसमें वेवलेंथ इस्तेमाल करें, बेसिकली जो इसमें पल्स रेट इस्तेमाल करें जो हाई पल्स रेट हो, यहाँ पे हाई पल्स में 1000 माइक्रोसेकंड पल्स रेट इस्तेमाल करें। उसकी खूबी है कि इसमें ब्लीडिंग नहीं हो रही अभी, तो मैं बिल्कुल आपकी जो ये जो बर्थ मार्क है न्यूवस सबेशियस इसको मैं स्कल्प कर रहा हूँ, ठीक सर, बिल्कुल जैसे तराश रहे हैं। अगर ये काम मैं, हाँ बिल्कुल, अगर ये मैं ब्लेड से करता तो उसमें ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, तो जब ब्लीडिंग होती है तो हमें फिर कुछ नजर नहीं आता क्या चीज हटा रहे हैं, ठीक है ना, राइट सर। तो अभी जो आपको कर रहा हूँ माशाल्लाह इसमें कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही, और बिल्कुल आपके कान के साइज मतलब कान के शेप के मुताबिक इसको मैं स्कल्प कर दूंगा, तराश लूंगा इसको, राइट सर। तो वो अभी इंशाल्लाह अनकरीब होने वाला है, ठीक है ना, एक दफा मुकम्मल हो जाए तो दोबारा इसकी हम वीडियो बनाते हैं। अच्छा मेरे साथ, यस सर, ठीक है। Right now she is in Shifa doing her PG shape. So she said to me that you are the best dermatologist in the country. So you must go to him. Thank you very much, brother. Thank you. कान जो था वो बिल्कुल स्मूथ आउट हो गया है, और सारा हमने जो न्यूवस सबेशियस था वो हमने हटा दिया है बहुत खूबसूरत तरीके से, और बिल्कुल इसको नाक जो जो बेसिकली जो कान का शेप है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ, और इंशाल्लाह ताला इसकी जब हीलिंग होगी तो हम पिक्चर शेयर करेंगे, राइट सर। बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये हमने हटा दिया, थैंक यू सो मच। आरबीएम या लेजर से, और इसमें बेसिकली क्राइटेरिया हम ये रखते हैं कि हम पल्स विड्थ को काफ़ी जो है हाई रखते हैं, तो ताकि वो डीप जाए, कोगुलेशन ज़्यादा हो, एबुलेशन कम हो, जब कोगुलेशन ज़्यादा होगी एबुलेशन कम होगी तो उसमें फिर ब्लीडिंग नहीं होगी, थोड़ा लेजर स्लो हो जाते हैं, लेकिन उसमें फिर बेसिकली फील बहुत क्लियर रहता है, ब्लीडिंग नजर नहीं आती, ब्लीडिंग नहीं होती, राइट सर। जब ब्लीडिंग हो जाती है अभी लेजर में तो फिर हम डीप जा नहीं सकते, तो बेसिकली जब हम पल्स विथ वो इस्तेमाल करते हैं जिसमें कोगुलेशन ज्यादा होती है और एबुलेशन कदरे कम होती है, तो उस मोड में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन बहुत अच्छा स्मूथ ए वास्कुलर रिजल्ट आ जाता है। right, अभी हमने कम्प्लीटली हटा दिया इसको, थैंक यू सो मच।